वैक्सीन को लेकर विपक्ष के बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से सवाल पूछ रही है। एससी ने केंद्र की कोविड टीकाकरण नीति को मनमानी भरा बताते हुए समीक्षा के आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति को पहली नजर में तर्कहीन और मनमानी भरी बताते हुए उस पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी पूछा कि केंद्र सरकार ने जब 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए टीके खुद खरीदे और उनके मुफ्त टीकाकरण का इंतजाम किया, तो 18 से 44 साल के नागरिकों के मामले भी ऐसा क्यों नहीं किया गया। अदालत ने सरकार से बजट में टीकों की खरीद के लिए पास किए गए 35,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब भी पेश करने को कह दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये भी कहा कि सरकार की नीतियां अगर आम नागरिकों के अधिकारों का हनन करेगी तो देश की अदालतें तमाशबीन की तरह मूक दर्शक बनकर सब कुछ नहीं देखती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को ये कठोर टिप्पणी उस वक्त करनी पड़ी जब केंद्र सरकार ने अदालतों को कोविड-19 महामारी से निपटने की कोशिशों में दखलअंदाजी ना करने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का संविधान अदालतों से ये अपेक्षा नहीं करता कि जब सरकारी नीतियों द्वारा नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एलएन राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की स्पेशल बेंच ने सरकार को इस मामले पर फटकार लगाई। सड़क पर बिना इलाज के दम तोड़ती हुई जनता की चिंता करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाई। अगर यही लताड़ कुछ समय पहले लग जाती तो शायद देश की स्थिति आज बेहतर होती।